सभी भाइयों को पंडित डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार। मैं सन्नी पंडित पंडित डेयरी फार्म से आप सभी का अपनी आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भैया, जैसा कि आप देख सकते हो, आज ये चाचा जी और भैया जी अपने पास आए हैं ग्वालियर एमपी से। इन्होंने अपने फार्म से आज 6 भैंसे मुर्रा का भैंसे अपने पास से खरीदी किया है। और भैया, ये चाचा जी हैं और ये भैया हैं, इनके पास इनके फार्म पे पहले भी लगभग कई बार भैंसे अपने पास से जा चुकी हैं। तो भैया, जैसे कि आप अपनी वीडियो में देखते रहते हो भैया, अपना ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में भैया गायें भैंसे सेल मतलब अपनी होती रहती हैं। तो जो कोई किसान भाई या जो कोई भाई अपने पास से भैंस खरीदी करना चाहता है या गायें खरीदी करना चाहता है, वो कभी भी अपने पास आ सकता है। अपने पास से भैया ऑल ओवर इंडिया में किधर भी अपना प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल रहता है। तो बाकी अब हम भैया से जानते हैं और चाचा जी से जानते हैं कि इनको कैसा रहा और जो पहले अपने पास से भैंसे लेकर गए थे वो इनको कैसी लगी। तो नमस्ते चाचा जी। तो चाचा जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं? हम ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से। तो भैया जी, पहले अपने पास मतलब कितनी बार अपनी भैंसे लेके जा चुके हैं आप अपने पास? 3 बार ले गए। अच्छा, और कैसी चल रही है मतलब वो सब भैंसे? बहुत अच्छी चल रही है। तो चाचा जी, अभी आपने अपने पास से 6 भैंसे खरीदी करी है, इनका लगभग आपने कितनी बार दूध चेक किया है? 4 बार। 4 बार चाचा जी ने अपने पास, मतलब चाचा को आज 2 से 3 दिन हो चुके हैं अपने पास आए हुए, आज शाम को अपना लोडिंग हो रहा है और चाचा ने लगभग 4 बार अपने सभी भैंसों का दूध चेक किया। तो कितने कितने दूध वाली चाचा भैंसे लगी सब अपने को? किसी के 14, किसी के 15, किसी के 13। तो ऐसे लगभग लगा लो 13 किलो से लेकर और 15-16 लीटर तक की चाचा ने भैंसे खरीदी किया। और चाचा जी, अपने ने किस रेट में खरीदी करी है? 1:21 की औसत से भैया ने 6 भैंसे अपने पास से खरीदी करी है। तो भैया जी, आप अपने पास आए, कैसा लगा आपको इधर? अच्छा लगा। तो भैया, जैसे मतलब आप अपने इधर इतने दूर दूसरे स्टेट में आए, किसी प्रकार का आपको रुकने में या किसी और प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं मतलब। तो भैया, अब हम अपना एक नंबर से अपना शुरू करते हैं और प्रॉपर हम आपको भैंसे खोल खोल के चलाते हैं और इनका प्रॉपर आपको दूध बताते हैं। आओ भैया। तो भैया, दूसरे ब्यात की भैंस है ये। चाचा, इसके नीचे अभी लगभग कितना दूध तैयार है अभी इसके नीचे? हाँ जी चाचा, 13-14 लीटर दूध अभी तैयार है और लगभग आज इसको 5 से 6 दिन बच्चे दिए हुए हैं भैंस को। ये भैंस लगभग 15 लीटर दूध आराम से निकाल देगी। तो भैया, प्रॉपर लगा लो, चाचा ने जितनी भैंसे ली हैं सब अपने पास से लगा लो। ब्यूटी में भी प्रॉपर एक नंबर है और मतलब दूध के हिसाब से भी आप भैंस की ब्यूटी देख सकते हो, बिल्कुल छोटे सिंग की चौड़े पुट्ठे वाली अच्छी भैंस है ये, आप देख सकते हो। चलो, जैसे भैया गर्मी का टाइम है, अभी थोड़ा जानवरों का दूध वैसे भी 1 लीटर 2 लीटर कम चल रहा है। अगर यही भैंस सर्दी में बच्चा दे, लगभग 16-17 लीटर वाली भैंस है ये, देख सकते हो आप। चलो दे दें, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहा है? नहीं मिला, ले आओ अगली, ले आओ भैया। तो हाँ जी चाचा जी, इसके भैंस के नीचे कितना दूध है अभी तैयार? 14 लीटर। इसका 14 लीटर दूध अभी तैयार है। ये भी दूसरे ब्यात की भैंस है। ये लगा लो अपने फार्म से 25 भैंसों में से चाचा ने अपनी टॉप की 6 भैंसे निकाली है, ये आप देख सकते हो। ये भी प्रॉपर 15 लीटर वाली भैंस है। इंटरनेट पे जाएगा ये वीडियो? आपको फेमस करेंगे। ले आओ भैया अगली, ले आओ। ये भैया नीली रावी में भैंस है। चाचा जी, इसके नीचे कितना दूध तैयार है अभी? इसके इसके नीचे भी 12-13 लीटर। ये मतलब नीली भैंस है, आप देख सकते हो नीचे आप प्रॉपर मिल्क वेन वगैरह देख सकते हो। इसका 6ठे दिन का बच्चा हुआ है। ये भैंस भी 13-14 लीटर तो आराम से दूध निकालेगी। ले आओ गली। ये देखो भैया, एक और छोटे सिंह की काफी शानदार झोटी। चाचा जी, इसके नीचे कितना दूध तैयार है अभी? इसके नीचे 15 लीटर दूध जो है मौके के ऊपर तैयार है। और आप झोटी की अडर क्वालिटी देख सकते हो, सिंगों की क्वालिटी देख सकते हो। ये प्रॉपर भैया लगा लो 16-17 लीटर वाली भैंस है। चाचा ने अपने पास से 6 भैंसे खरीदी करी है और 6 भैंसों की उनके फार्म पे जाके 15 लीटर प्लस की एवरेज आने वाली है उधर जाके। लिया
ये देखो भैया जी, चाचा जी इसका कितना दूध है अभी डैडी? इसके नीचे भी लगभग अभी 14 लीटर दूध तैयार है, ये देख सकते हो। और सभी की सभी लगा लो 10 दिन के अंदर अंदर की बच्चा दी हुई भैंसी है, मतलब कोई ऐसी नहीं है कि एक महीने की बच्चा दी हुई होगी, 2 महीने की, सभी लगा लो ताजी भी आई हुई और अच्छे, मतलब सीनियर जानवर है, सभी फार्म पे रखने लायक जानवर। तो अगली भैंस आप देख सकते हो, ये भैया भैंस ये तीसरे ब्यात की है, लेकिन ये लगा लो भैया जिसको बोलते हैं असली दूध वाली भैंस, 20 लीटर वाली भैंस है प्रॉपर। चाचा जी इसके नीचे कितना दूध रेडी है अभी? इसके नीचे लगभग ये लगा लो अभी 16 लीटर 17 लीटर दूध मौके के ऊपर तैयार है भैंस के नीचे। भैंस के नीचे अदर क्वालिटी देख सकते हो, असली लगा लो मिल्क का टैंकर है पूरा, 16 लीटर 17 लीटर दूध 4-5 टाइम चाचा ने अपना चेक करके और प्रॉपर फीड नहीं लिया। और बाकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी जो कोई भाई अपने पास से खरीदी करना चाहता है, आज भी अपने फार्म पे लगभग 20 से 25 भैंसे और भी सेल के लिए अवेलेबल है, और इसके साथ साथ 10 से 12 एचएफ की गायें हैं वो भी सेल के लिए अवेलेबल है। तो मतलब जो कोई किसान भाई अपने पास से खरीदी करना चाहता है, अदर स्टेट से है, महाराष्ट्र से है, आंध्र से है, तमिलनाडु से है, या फिर अपने लोकल का कोई भी किसान भाई है, तो अपने फार्म पे भैया हमेशा आपको लगभग एचएफ का गायें, मुर्रा का भैंसे हमेशा आपको सेल के लिए अवेलेबल मिलेगा। तो धन्यवाद भैया जी, और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।